Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Akanksha and you are watching Glam with Cuckoo. So, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ डिटेल में फ्लॉलेस सा मेकअप लुक. चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्योंकि बातें तो हम वीडियो में भी कर लेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना मॉइस्चराइजर ताकि मेरा बेस बहुत ही स्मूथी बन जाए. नाउ इट्स टाइम टू यूज़ प्राइमर. आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी प्राइमर सो यू कैन ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल जैसे मैंने यूज़ करा ऑब्वियसली अपने पैसे बचाने के लिए. डार्क सर्किल को करेक्ट करने के लिए मैंने अपना करेक्टर खुद बनाया है. मैंने अपने कंटूर में थोड़ा सा कंसीलर मिक्स करा है एंड देन मैं इसको अप्लाई करके अपने डार्क सर्किल को हाइड कर लूंगी बहुत ही अच्छे से. एंड फिर हम अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड. अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी अपना फाउंडेशन ताकि हमने जो अपना करेक्टर अप्लाई करा वो भी हाइड हो जाए एंड हमारी स्किन एकदम इवन टोन वाली बन जाए. सबसे पहले आपको अपने पूरे फेस पे अपने फाउंडेशन को डॉट डॉट करके स्प्रेड कर लेना है. देन उसके बाद ही आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है. इससे होगा ये कि इवनली आपके पूरे फेस पे फाउंडेशन स्प्रेड हो जाएगा एंड उसकी वजह से कहीं पे कम या फिर ज्यादा नहीं लगेगा. अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी अपना कंसीलर टू हाईलाइट माय फेस ताकि मेरा फेस थोड़ा ग्लोई लगे, फ्लैट ना लगे, थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाए मेरे फेस को. ब्यूटी ब्लेंडर को आपको हमेशा यूज करना है डैबिंग मोशन में. आपको ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है अदरवाइज आपका सारा प्रोडक्ट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपको एक फ्लॉलेस फेस नहीं मिल पाएगा. अब मैं अपने फेस को करूंगी कॉन्टोर. आपको हमेशा इस डायरेक्शन में कॉन्टोरिंग करनी है ताकि आपकी लाइक जो चिक्स हैं थोड़ी लिफ्टेड लगे और आपका फेस भी पतला लगे. एंड आपको अपने पूरे फेस पे कॉन्टोरिंग अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. आपको हमेशा अपवर डायरेक्शन में ही ब्लेंडिंग करनी है क्योंकि इसका मेन पर्पज ही हमारे फेस को थोड़ा लिफ्टेड दिखाना एंड हमारे फेस को उसका स्ट्रक्चर देना. अब मैं अप्लाई करूंगी अपना ब्लश एंड ब्लश भी मैंने जुगाड़ लगा के ही बनाया है. मैंने अपनी कंसीलर के अंदर थोड़ी सी लिपस्टिक ऐड करी है जिससे मेरा बहुत ही प्यारा क्रीमी ब्लश बन गया. हेयर आई एम यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट माई बेस एंड देन मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करके अपने ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी टू हाईलाइट माई फेस. अब मैं करूंगी अपनी आईब्रोज को फिल एंड सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज को ब्रश कर लेंगे ताकि उनके ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगा हो वो हट जाए एंड हमारी आईब्रोज भूत जैसी वाइट ना लगे. एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रोज को फिल करना एंड बहुत ही अच्छे से फिल करेंगे एंड अगेन हम उनको ब्रश करेंगे ताकि हमारा कलर अच्छे से स्प्रेड हो जाए हमारे आईब्रोज में, एक जगह पे ना बैठे. अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर टू डिफाइन माय आईब्रोज ताकि मेरी आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगे एंड इससे बहुत ही ज़्यादा एक शार्प सा लुक मिलता है एंड जिसको करने के बाद लाइक हमारी आईब्रोज इतनी ज़्यादा ऑसम बन जाती है. सो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको. इससे ना हमारी आई शेडो भी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लगती हैं एंड आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट ज़रूर करना है अदरवाइज आपकी आई शेडो फंस जाएंगी आपके कंसीलर में और एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगी. गुलालस नहीं करना है, ठीक है. आई मेकअप में मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं करूँगी, जस्ट ही गोल्डन आई शेडो लेके अप्लाई कर लूंगी एंड दैट्स इट, इतना इनफ है. एंड आई लाइनर तो हमारे मेकअप को ब्यूटीफुल बना ही देता है सो बस इतना इनफ है. एंड देन इसके बाद आप अपनी लैशेज अप्लाई कर लेना एंड अपना मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना ताकि हमारी जो फेक लैशेज है रियल के साथ मिक्स हो जाए. अप्लाई करूंगी ये ब्यूटीफुल सी, कितनी प्यारी लिपस्टिक है यार, मैं इसको अप्लाई करूंगी. एंड देन इसके बाद हम लगाएंगे काजल एंड उसको स्मज कर लेंगे एक प्रिसाइज से ब्रश की हेल्प से. सो या दैट्स इट गाइज, मैंने डिटेल में सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दिया है. And now it's time to try this makeup look. आपको इसको try ज़रूर करना है अगर आप सही में makeup करना सीखना चाहते हैं. So आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि चलो video देख ली तो उसको आप जाने देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको like phone या तो आप अपने सामने रख लीजिए, video देखते रहिए and step by step जो जो मैंने आपके साथ share करा आपको same वैसे ही repeat करना है. इससे क्या होगा, आपकी skills बहुत ही जल्दी like improve हो जाएंगी. So आपको practice ज़रूर करनी है. So यही था आज की video के बारे में. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.